नमस्कार सभी देखने वाले दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने YouTube के ऊपर देखा एक ऐसे इंसान को जो रफी साहब और बहुत से कलाकारों की हूबहू आवाजें दिखाता है। हमने फिर उस कलाकार को फोन किया और आज वो कलाकार मुजफ्फरनगर से पहुंचते पहुंचते लुधियाना पहुंच गया है और हमारे साथ है आशु भजन जी। आशु जी बहुत बहुत स्वागत है लुधियाना की तरफ से। आज इन्होंने हमारे एक एशियन क्लब के प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया, तो आशु जी बताइए कि कब से आपने आवाजें निकालने का सिलसिला शुरू किया, कब से ये शौक पड़ा आपको? ये करीबन जी मुझे बस शौक था, तो बचपन से था, तो मैं ऐसे ही काम करता करता पिक्चर बहुत देखता था, तो इसलिए आवाज शुरू में तो अमिताभ बच्चन की आवाज आई और उसके बाद फिर धीरे धीरे अमरीश पुरी, अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती, शक्ति कपूर, ऐसे ऐसी आवाज आती चली गई। और फिर मैं बस एक दोस्त है मेरा जिसने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया, तो इसलिए मैं मोहम्मद रफी साहब के प्रोग्राम में आज यहाँ लुधियाना नसीब है मेरा, जो आज आज मैं यहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो बस इतना ही। बहुत बढ़िया। और आप कितने साल के थे जब आपने पहली बार ये मिमिक्री शुरू की और कलाकारों की आवाजें शुरू की? करीबन 15-16 साल। थोड़ा सा नीचे रख लीजिए, 15-16 साल के आसपास। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, 15-16 साल के आसपास आवाज है मेरे पास। तो क्या क्या फैमिली बैकग्राउंड है, आप क्या करते हैं, परिवार के लोग क्या करते हैं, प्रोफेशन आपका क्या रहा है? बस काम तो मेरा जी मधुमक्खी का है, जो मधुमक्खी का शहद होता है उसका काम है बिजनेस का बना। तभी आप इतने लाल लाल से हैं। मधुमक्खियों का शहद खाने से लाल हुए या मधुमक्खियों के काटने से हुए हैं? बस मैं भी काटता जा मुझे उल्टा पड़ गया। और जी पापा नहीं है फिलहाल, मम्मी है और वाइफ है, तीन बच्चे हैं, दो लड़के एक लड़की और भैया है, ये परिवार में तीन बहने हैं, तीनों की शादी हो गई। परिवार के लोग तो हमेशा ही आपके गीत सुनते रहते होंगे आपसे। वो कहा ना कि घर की मुर्गी मुर्गी दाल वाला पर घर का कोई नहीं सुनता। चलिए एक बार सबसे पहले आपने कुछ हम शॉर्ट्स दिखाते हैं जो YouTube पे आपके चैनल पर ही है, उसमें से आपके कुछ डायलॉग्स हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं, तो दर्शकों देखिए और एंजॉय कीजिए। लौट के आ जा बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। देखिए ये जो गाना हम आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, ये बगैर संगीत का बगैर ढोलक का होगा और याराना फिल्म होगी। एक गीत हमने बहुत बड़े प्रोग्राम में गाया था, लेकिन आज हम कोशिश कर रहे हैं इस गीत को गाने की। इस भक्ति के हैं आइए अमरीश पुरी तो पूछते हैं। अमरीश पुरी जी मेरे से बकवास मत करो, मेरा दिमाग ऐसे ही खराब हो रहा है। मैं जमीन पर अगर जो आया हूं तो उन नगमों को सुनने के लिए जो नगमे सारी जिंदगी के लिए अमर रहेंगे। मोहम्मद अजीज को बुलाओ, मैं वो गाना सुनना चाहता हूँ जो कर्मा में गाया है। तो दीजिए एक बार फिर से आशु जी आपका स्वागत है। तो आप अब तक क्या जिन कलाकारों की आवाजें आपने निकाली हैं, क्या आप कभी उन कलाकारों से फेस टू फेस मिले हो कभी? नहीं जी आज तक नहीं मिला। कोई तमन्ना है आपकी? हाँ जी बहुत तमन्ना है। तो किस कलाकार को आप सबसे ज्यादा लाइक करते हैं, जिसको मिलना चाहते हैं? बच्चन साहब जी, अमिताभ बच्चन। हाँ जी बच्चन। तो अमिताभ बच्चन जी आप सर जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप अपने इस फैन के ऊपर नजरें इनायत जरूर कीजिएगा, तो जरूर इनको मौका दीजिएगा। तो बेसिकली आप मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले हैं? नहीं जी मुजफ्फरनगर तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारा चरथावल के पास बड़ी बधाई कला गाँव पड़ता है। बड़ी बधाई कला गाँव चरथावल के पास। जी जी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? चरथावल पड़ता है जी। अच्छा जिला मुजफ्फरनगर। जिला मुजफ्फरनगर। ओके तो आपके फैंस आपको कैसे रिएक्ट करते हैं जब मिलते हैं, जब देखते हैं? बहुत करते हैं जी, बहुत खुशी मिलती है मुझे तो। बाजू में दिखाई देता है कि पता नहीं क्या हो रहा है जिंदगी में, कि ये हो रहा है क्या, मैं तो ऐसा कुछ भी खूबी नहीं है मुझ में, लोग ऐसे पसंद कैसे कर रहे हैं, बहुत बहुत खुशी मिलती है मुझे। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आप लुधियाना आए स्पेशली आज और अपने फैंस के लिए आपने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ प्रोग्राम भी पेश किया, तो एक बार फिर से आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से और साथ साथ झांझर टीवी की तरफ से और एशियन क्लब इंटरनेशनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों जाने से पहले यही कहेंगे कि आप भी
इनके चैनल को भी देखिए और हमारी इस न्यूज को शेयर भी कीजिए ताकि इस जैसे एक कलाकार को और ज्यादा आगे आने का मौका मिले। तो आप हमारी इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे और नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।